फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अरविंद, आप देख रहे हैं अक्षय रिव्यू। और आज हम बात करने वाले हूँ आज ही के दिन रिलीज हुई मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, एक ऐसी मूवी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शेरशाह देखने के बाद लोगों की एक एक्सपेक्टेशन हो गई थी भुज मूवी से कि एक अलग लेवल का VFX देखने को मिलेगा, एक अलग लेवल की एनिमेशन और स्टोरी कमाल की दिखाने वाले हैं डायरेक्टर, किस तरह से हमें इसमें डायरेक्टर हमारी स्टोरी को दिखाएंगे। तो ये सब लोगों की एक्सपेक्टेशन थी। अभी बात करता हूँ कि रियलिटी में ये मूवी कैसी बनी है, लोगों की एक्सपेक्टेशन को कितनी बुरी तरह से तोड़ा गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, हमारी आज ही के दिन 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज़ किया गया है, लगभग शाम को 7:30 बजे के आसपास रिलीज़ किया। मूवी का काफ़ी ज़्यादा वेट था, लेकिन मूवी देखने के बाद पूरा हमारा वेट बर्बाद चला गया। मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि हमें दिखता है कि 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया के भुज जो एयरबेस था वहाँ पर किस तरह से अटैक किया था और पूरे एयरबेस को पूरा बर्बाद कर दिया था, तो उसके ऊपर मूवी बनाया गया कि किस तरह से एयरबेस को रिपेयर करते हैं और पाकिस्तान से जो आने वाली आर्मी थी उसको किस तरह से हमारी इंडियन आर्मी उसका मुंह तोड़ जवाब देती है और कैसे उसको पीछे भागने मजबूर कर देती है। तो ये सब चीज़ें देखने लायक थी। तो चलिए अभी बात करते हैं इस मूवी के एनिमेशन वगैरह की, किस तरह का एनिमेशन था, किस तरह की स्टोरी दिखाई गई है, जो रियल स्टोरी थी हमारी वॉर की उसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया गया स्क्रीन के ऊपर, कि कैसा VFX यहाँ पे यूज़ किया गया, एनिमेशन कैसा है, इसके लिए बात करते हैं। तो VFX की बात करें तो VFX भाई एकदम लो बजट का हमें लगा इस मूवी के अंदर, एज़ कम्पेयर टू द जो हमने शेरशाह देखी थी। शेरशाह देखने के बाद या इसके पहले अगर हम बात करें उरी मूवी की, तो उरी भी एक रियल लाइफ वॉर के ऊपर मूवी बनाई गई थी। तो उस मूवी के अंदर और इस मूवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है भाई। इस मूवी के अंदर एनिमेशन और VFX के नाम पर ऑडियंस को एकदम कचरा दिखाया गया है, एकदम बेकार VFX वगैरह यूज़ किया गया है। इतनी अच्छी मूवी को इतने बुरी तरह से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मूवी पूरी देखा मैंने, पूरी देखते देखते मैं कन्फ्यूज हो गया कि इसमें इन लोगों ने किया क्या है एक्चुअली में। बात करें कास्ट की, तो कास्ट में हमारे कुछ मेन चेहरे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन लोगों ने इस मूवी में एक जान डाल दी है। जो भी थोड़ा बहुत भी आपको मूवी में कुछ देखने का मन करता है, जो आपको थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट आती मूवी के अंदर, तो वो इन्हीं लोगों की वजह से आती है। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना जो जो एक्टिंग जो जो अपना इन्होंने अपना काम किया, जिसका भी रोल इसमें निभा रहे हैं, उन्होंने ये पूरी तरह से अपनी जान डाल दी। सोनाक्षी सिन्हा का इसमें थोड़ा सा सीन दिखाया गया और इसमें यार मतलब पोयम और जो गाना लिया गया है दोनों ही एकदम बेकार है, ज़्यादा कुछ बोलने लायक नहीं है। लेकिन जो डायलॉग्स हैं कहीं कहीं सीन्स पे इतने ज़बरदस्त डायलॉग मारे गए हैं कि उसको सुनने के बाद सीधा सीटी मारने का मन करेगा ऑडियंस का। इस मूवी के अंदर संजय दत्त ने एक पागी का रोल ज़बरदस्त किया है। उस टाइम पर उस वॉर के समय चोर भाई पागी ने किस तरह से हमारे आर्मी की हेल्प की थी, वो उनको बोला जाता था रेगिस्तान का चील। रेगिस्तान का चील किस लिए, क्योंकि वो रेगिस्तान में सिर्फ फुटप्रिंट देख के, जूते का निशान देख के, आदमी के चलने का निशान देख के बता सकते थे कि ये किस आर्मी की है और कितने सिपाही यहाँ से गुजरे हैं। इसका प्रॉपर अंदाज़ा लगाने वाला हमारा वो रियल हीरो था, वो भी उसका रोल ज़बरदस्त किया गया है। इस मूवी के अंदर अगर आपको देखने के लिए कुछ मिलता है तो ढेर सारे फाइटर प्लेन हमें दिखाई देते हैं, काफ़ी सारे एक्शन से, काफ़ी सारे एक्सप्लोजन्स वगैरह हैं जो आपको टाइम टाइम पर दिखते हैं। कहीं कहीं पर जो फाइटर प्लेन मतलब मेन मूवी के अंदर फाइटर प्लेन्स का सीन और जो एक्शन जहाँ पर हो रहा है खाली वही आपको मूवी के साथ बांध के रखती है। अगर बात करें स्टोरी का, जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है बाकी के स्टोरी जहाँ पे अजय देवगन की थोड़ी पर्सनल एक लाइफ दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे एक सोनाक्षी सिन्हा का जो रिप्रेजेंटेशन होता है पब्लिक के सामने ये वो भी एकदम से बेकार है। मूवी के अंदर जो गाने लिए गए वो भी इतने अच्छे नहीं है, ज़्यादा आपको इन्जॉय नहीं कर पाएंगे। ओवरऑल बात करूँ तो मूवी देखने लायक है। अगर स्टोरी बात करूँ तो स्टोरी ठीक ठाक है, लेकिन स्टोरी को प्रॉपरली तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया गया मेरे हिसाब से। मूवी में क्लाइमैक्स के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं गया है, क्लाइमैक्स एकदम सिंपल कर दिया गया है और लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन था क्लाइमैक्स को लेकर, लेकिन इतना कुछ खास नहीं था। तो ओवरऑल बात करूँ मूवी अच्छी है, वन टाइम वॉच है, ज़्यादा आप नहीं देख पाएंगे। तो इसी के साथ खत्म करते हैं रिव्यू को। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और अगर नए आए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस। मैं अपना फुल ट्राई करूँगा आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।